देखिए, अगर हमें सबको भागीदार बनाना है तो यह तो पता होना चाहिए कि कितनी आबादी किसकी है। ओबीसी की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है, यह पहला कदम है। अगर हमें यही नहीं मालूम कि देश में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी, दलित, बाकी लोग कितने हैं, तो हम सबको भागीदार कैसे बनाएंगे। तो पहला कदम, अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे, क्योंकि वे सचमुच में ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ये काम एकदम कर देगी, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे, और उससे पहले हम पूरे देश में बीजेपी पे दबाव बनाएंगे कि आप ओबीसी की बात करते हो, ओबीसी की भागीदारी की बात करते हो, ओबीसी को पावर देने की बात करते हो, भारत की प्रगति में शामिल करने की बात करते हो, तो ये जो ओबीसी सेंसस है इसको पहले पब्लिक करो कि हम सबको पता लग जाए हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, बाकी लोग कितने हैं। पहला कदम यह है। दूसरा कदम, जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और तीसरा कदम, जो ये 50% का कैप लगा रखा है रिजर्वेशन पे कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मोदी जी, अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो इस कैप को आप हटा दीजिए, 50% को रद्द कर दीजिए, फिर ओबीसी की बात करिए, उससे पहले आप ओबीसी की बात मत करिए। तो ये मेरा आपका आपके लिए मैसेज था।